नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है सुमन प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हम एनसीआर हिस्ट्री के क्लास इलेवन को समझ रहे थे क्लास 11 के चैप्टर को पढ़ रहे थे तो इस चैप्टर तक हम पहुंच चुके हैं फोर्थ पार्ट पे तीन पार्ट में हम इस चैप्टर को आधा लगभग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर का नाम है द थ्री ऑर्डर्स तो फोर्थ पार्ट इस चैप्टर का आगे शुरू करते हैं द थ्री ऑर्डर्स को ये सारी की सारी स्लाइड्स हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट में इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं जिन्होंने नहीं देखी है वो लिस्ट में जाकर पहले ये तीनों पार्ट देख लीजिए उसके बाद आपको फोर्थ पार्ट अभी समझ में आएगा तो फोर्थ पार्ट में हम पहुंचे हैं थ्री ऑर्डर्स पर ठीक है थ्री ऑर्डर्स कौन से थे फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर हम दो ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं थर्ड ऑर्डर आता है पीजेंस फ्री एंड अनफ्री जो थर्ड ऑर्डर था या कि जो सबसे नीचे वाली क्लास थी सोसाइटी की यूरोपियन मिडि यूरोपियन सोसाइटीज में उसमें आते थे सारे वर्कर्स आते थे जिसमें से कुछ फ्री होते थे कुछ अनफ्री होते थे ज्यादातर ये सारा का सारा जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल था कल्टीवेटर्स थे मतलब खेतों में काम करने वाले कल्टीवेट करने वाले एग्रीकल्चर क्योंकि मेन चीज थी इकोनॉमी का पार्ट था मेडिवल यूरोप का तो ये कल्टीवेटर्स फ्री और अनफ्री होते थे जो अनफ्री होते थे उनको सर्फ्स कहते थे ये एक तरीके से स्लेव्स ही होते थे पर स्लेव की कंडीशंस और भी अलग थी द फ्री पीजेंट्स हैड ऑन लैंड बट वर्क एस टीनेट्स ऑफ द लैंड अब ये फ्री और अनफ्री के डिफरेंस समझते हैं फ्री पीजेंट्स के पास अपनी खुद की जमीन होती थी लेकिन लैंड पे वो एक तरीके से किराएदार की तरह काम करते थे जैसे हम कोई घर किराए पर लेते हैं तो वो हमारा होते हुए भी हमारा नहीं होता है तो ऐसे ये फ्री पीजेंट्स के पास लैंड होते हुए भी उनकी नहीं होती थी वो उनके लॉर्ड की ही होती थी उन लॉर्ड ने उनको दी होती थी एक्सचेंज में उनसे क्या लेते थे सर्विसेज दे हैड टू गिव मिलिटरी सर्विस फॉर एटलीस्ट फोर्टी डेज इन ईयर इन फ्री बिजंस को साल में से 40 दिन अपने लॉर्ड के लिए मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करनी होती थी और साथ में उनको उनके खेतों पर भी काम करना था करना होता था हफ्ते में तीन दिन सात दिन में से किसी तीन दिन उनको एज अ रेंट पे करने के लिए लेबर रेंट के तरीके से अपने लॉर्ड के खेत पर काम करना होता था और इस काम के अलावा मतलब सिर्फ इतना ही नहीं था कि मिलिट्री सर्विस दे दी साल में चालीस दिन और हफ्ते के तीन दिन उनके खेत पर काम कर दिया बाकी के जो समय होता था ये अपने खेत पे अपना काम करने के अलावा ही फ्री सर्विसेज अनपेड सर्विसेज भी इन फ्री पिजेंस को अपने लॉर्ड के लिए करनी होती थी और ये फ्री पिजेंस में क्या क्या आता था डिगिंग डिचिंग डिचेज गैदरिंग फायरवुड बिल्डिंग फैंस में काम है वो लॉर्ड खुद नहीं कर सकते हैं जैसे वुमेन और चिल्ड्रेन क्या करते थे उनके खेतों पर काम करने के अलावा स्पिनिंग थ्रेड विविंग क्लोथ्स मेकिंग कैंडल्स प्रिपेयरिंग वाइन फ्रॉम ग्रेप्स तो उनके रोजमर्रा के काम और जो बीच बीच में काम आते हैं जैसे रोड वगैरह बनाना फायरवुड कलेक्ट करना ये सारे काम ये फ्री पीजें करते थे जो आ, उनको लॉर्ड्स खुद नहीं कर सकते कर सकते थे इन कामों को ठीक है फ्री पीजेंट्स को एक टैक्स भी किंग के लिए देना पड़ता था अपने लॉर्ड के लिए तो काम कर रहे हैं और किंग के लिए क्या करना होता था एक टैक्स देना होता था टैले नाम से जो कि ये टैक्स क्लर्जी और नॉबल्स को नहीं देना पड़ता था किंग को अब आती है सर्फ्स जो अनफ्री पीजेंट्स थे वो अपने लॉर्ड के या जो नॉबल्स थे उसके लिए उनके खेतों पर काम करना होता था अब इनको हफ्ते में तीन दिन नहीं करना है ये हमेशा उनको उनके खेतों पर काम करते ही रहना है क्यों क्योंकि तीन दिन तो अनफ्री पीजेंस काम कर देंगे खेतों पर लौट के बाकी के दिन कौन काम करेगा सातों दिन काम होना है तो वो कौन करेगा ये अनफ्री पीजेंस जो उसके साथ बंधे हुए थे जिनकी अपने खुद की कोई जमीन नहीं थी

दूसरा ये जो फ्री पीजेंस थे वो तो अगर चाहें तो अपनी जगह बदल भी सकते थे कहीं और जाकर रह सकते थे लेकिन अनफ्री पीजेंस थे वो अलाउड नहीं थे स्टेट को छोड़कर जाने के लिए बिना लॉर्ड की परमिशन के लॉर्ड क्लेम सेवलर मोनोप्लीज एट द कॉस्ट ऑफ सर्वस जैसे कि मोनोप्लीज जो रखता था एक अधिकार लॉर्ड वो रखता था कि जो लॉर्ड ही डिसाइड कर सकता था सर्फ कौन सा सर्फ जो है कौन सा अनफ्री पीजेंट है वो शादी करेगा किससे करेगा कर भी सकता है या नहीं कर सकता है ये सारी की सारी जब तक लॉर्ड आशीर्वाद नहीं देता है उनकी शादी के लिए तब तक ये अनफ्री पीजेंट्स काम शादी भी नहीं कर सकते थे और शादी करती की परमिशन मिल भी जाती थी तब भी इनको अपने लॉर्ड को फी कर, पे करना पड़ता था एक जुर्माना समझिए या फिर उनके लिए गिफ्ट समझिए कुछ भी उनको अपने लॉर्ड को देना पड़ता था उसके बाद ही इनको परमिशन मिलती थी शादी करने के लिए और इनको आ, बाकी जो काम करते जैसे करते हैं जैसे कि अपना खाना बना लिया या फिर अपने लिए वाइन बना ली या अपने कपड़े बुन लिए तो ये सब इनके आ, ये चीजें इनको अलग से नहीं मिलती थी ये जो लॉर्ड के लिए खाना बनाते थे जिसमें वहां पर उनका बनाने के बाद वहीं पे अपने लिए भी बनाना पड़ता था मतलब इनका अपना कुछ भी नहीं था ना घर था ना खेत था ना मशीनें थी कुछ भी नहीं था इनका अपने पास ठीक है तो ये थी इनकी कंडीशंस अनफ्री फ्री की अब आते हैं इंग्लैंड अब ये जो फ्यूडलिज्म है ये थ्री ऑर्डर का सिस्टम था ये सिर्फ फ्रांस में नहीं था ये बाद में इंग्लैंड में और यूरोप के बाकी सबसे पहले इंग्लैंड में और उसके बाद बाकी जगह पर भी फैला था तो इंग्लैंड की हिस्ट्री देखते हैं थोड़ी सी द एंगल्स एंड सेक्शंस केम फ्रॉम सेंट्रल यूरोप एंड गॉट सेटल इन इंग्लैंड ड्यूरिंग सिक्स सेंचुरी जिस तरीके से फ्रांस में सेंट्रल यूरोप से या जर्मनी की जो ट्राइब आई थी और फ्रांस उन्होंने बसाया था फ्रेंक्स ट्राइब ने वैसे ही इंग्लैंड में सिक्स सेंचुरी में एंगल्स और सेक्शंस सेंट्रल यूरोप से आए थे और तो उन्होंने बाद में इंग्लैंड बनाया था और इंग्लैंड का नाम पड़ा था ये जो एंगल्स आए थे एंगलैंड से नाम से बाद में इंग्लैंड बन गया था फ्यूडलिज्म में कब एंटर हुआ ये इलेवेंथ सेंचुरी में हुआ था मतलब सिक्स सेंचुरी में एंगल और सेंटर हुए और उसके बाद एंगल इंग्लैंड बसने के बाद अच्छे से फ्यूडलिज्म कब एंट्री मारी इंग्लैंड में इलेवेंथ सेंचुरी में और किसके थ्रू मारी कैसे आई थी इलेवेंथ सेंचुरी में जो विलियम था द ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी ये भी एक राजा ही था फ्रांस का वो इंग्लैंड इंग्लिश चैनल के थ्रू इंग्लिश चैनल में नेक्स्ट मैप इंग्लिश चैनल के थ्रू इंग्लैंड पहुंच गया और वहां पर सेक्सन किंग को डिफीट करके वहां पर इन्होंने अपना राज्य बसा लिया था उसके बाद से ही फ्रांस और इंग्लैंड में टाइम टाइम पर आपस में वॉर होते रहते थे लड़ाइयां होती रहती थी अब ये जो मैप आप पिछले वाले पार्ट में भी देख चुके हैं ये देखिए एंग्लो सेक्सन किंगडम ये था इंग्लैंड ये इंग्लैंड है यहाँ पर सिक्स सेंचुरी में एंग्लो सेक्सन किंगडम बस गया था और ये जो चैनल होता है ना फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो ये सी है इस ये थोड़ा सा जो एरिया है इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं ठीक है थीके?

लॉर्ड्स या इन नोबल्स के अंडर कौन होते हैं पीजेंट्स ये पीजेंट्स पीजेंट्स कौन थे ये थे ये एंग्लो जो बाद में इन लैंड होल्डर्स के नीचे बाद में के तरीके से काम करने लगे मतलब फ्री या अनफ्री पीजेंट्स के तरीके से जो उनके नीचे काम कर रहे थे और ये ये जो लॉर्ड थे ये बाद में चीफ टीन बन गए किंग के मतलब किंग और नोबल्स और उसके बाद एंग्लो पीजेंट्स इन्होंने फिर फ्यूडलिज्म वहां पर स्थापित कर दिया और एक है द प्रेजेंट क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज डिसियम फर्स्ट ये जो विलियम फर्स्ट थे जो फ्रांस के थे जिन्होंने अपना किंगडम अपना राज्य इंग्लैंड में बसाया था आज की जो इंग्लैंड की प्रेजेंट क्वीन है वो इन्हीं की आ, पढ़ पड़ 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 होती या फिर उसी नस्ल से क्या बोलते हैं उसको वहीं से चलती आ रही हैं, उन्हीं की उत्तराधिकारी चलती आ रही हैं आज की क्वीन मतलब जो इंग्लैंड की क्वीन है वो एक्चुअली फ्रांस के किसी राजा की एक राजा की नेक्स्ट जनरेशन हैं। अब ये हो गया सारा का सारा हिस्ट्री खत्म उन लोगों का इलेवंथ सेंचुरी तक इलेवेंथ सेंचुरी में सोशल इकोनॉमिक रिलेशन कैसे कैसे बदले और ये फ्यूडलिज्म कैसे खत्म हुआ वो जो सेंचुरी से चेंज हुआ था उसके बारे में करेंगे अब ये जो चेंज हुआ था उसके तीन मुख्य रीजन है एनवायरमेंट और जो पहले लैंड यूज होती थी और बाद में इलेवेंथ सेंचुरी के बाद जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी चेंज आए उसकी वजह से तो फर्स्ट पार्ट पैरे द एनवायरमेंट को देखते हैं बिटवीन फिफ्थ एंड टेंथ सेंचुरीज फिफ्थ जब से फ्यूडलिज्म वगैरह इस्टेब्लिश हुआ था फिफ्थ से टेंथ तक क्या चल रहा था यूरोप में कोल्ड क्लाइमेट था मतलब उससे पहले जो था यूरोप में तब वार्म था और फिफ्थ से टेंथ तक फिर वापस कोल्ड क्लाइमेट एक चेंज हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ इस कोल्ड क्लाइमेट ने जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का जो टाइम है जो सीजन है क्रॉप्स को ग्रो करने का खेतीबाड़ी करने का उस टाइम पीरियड को घटा दिया मतलब अगर ज्यादा समय ठंड पड़ेगी तो उस समय खेती बाड़ी या फिर नई क्रॉप्स नहीं उगा सकते हैं तो वो जो उगाने का समय था खाने पीने की चीजें उगाने का समय था वो इन यूरोपियन लोगों के लिए टाइम पीरियड कम हो गया मतलब प्रोडक्शन कम हो गया गेहूं कम उगेंगे सारी चीजें जो जो है वो कम उगेंगी मोस्ट ऑफ पार्ट कवर्ड विद और एक दूसरा प्रॉब्लम क्या थी कि ज्यादातर यूरोप का पार्ट था वो एक तो वैसे ही एग्रीकल्चर के लिए सीजन कम हो गए समय कम हो गया और दूसरा ज्यादा से ज्यादा पार्ट वो फॉरेस्ट से ढका हुआ है तो मतलब लैंड और भी ज्यादा लिमिटेड हो गई पीजेंट डिससेटिस्फाइड विद काटते हैं इनको अगर अपना लैंड एक्सटेंड करना चाहते हैं पीजेंस वगैरह वो करेंगे नहीं क्योंकि उनके लिए वो फायदा था कि जो पीजेंस बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे अपने ऑपरेशन से नॉबल्स के अत्याचारों से वो भाग जाते थे और जंगलों में छुप जाते थे वहां से बाय द इलेवेंथ सेंचुरी फिर इलेवंथ सेंचुरी में क्या हुआ यूरोप एंटर अगेन एक वार्म फेज में एंटर हुआ अगेन और टेम्परेचर बढ़ा एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ा क्या इंपैक्ट पड़ा फिर से वापस जो सीजन है वो लंबा होने लगा मतलब अब आपके पास समय ज्यादा है क्रॉप्स उगाने के लिए प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है आपका है ना तो इसका फॉरेस्ट लाइन पे भी एक असर देखा जाता है कि अगर समय ज्यादा है तो लोग अपना लैंड भी एक्सटेंड करेंगे और फॉरेस्ट उस वक्त काटे भी गए थे लैंड को भी बढ़ा लिया गया था दिस रिजल्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ठीक है एक तो ये था कि एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड भी बढ़ा खेती भी बढ़ी और सीजन भी बढ़ गए दूसरा पहले जो लैंड यूज होती थी और बाद में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एग्रीकल्चर में आए थे इलेवेंथ सेंचुरी में इसमें क्या डिफरेंस था ये देखता है लैंड यूज का जो पहले जो तरीका था इन्हीं का एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वो बहुत ही पुरानी थी प्रमेटिव थी कैसे एक तो वुडन प्लफ यूज होता था जो सिर्फ मिट्टी को या मिट्टी की ऊपर ऊपर इस सतह जो होती है उसी को खुरच सकता था तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं मिट्टी के सॉइल के वो तो अंदर होते हैं थोड़े गहरे ऊपर तो वैसे ही रेतीली ज्यादा वैसी मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ नहीं होती है तो क्या होता था कि वो रोज तो उसको हाथ से खोद नहीं सकते हैं तो इनको चार साल में एक बार कभी कभी उस मिट्टी को अच्छे से खोद के उनके न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाला लेकिन वो उतना हेल्पफुल फिर भी नहीं होता था क्योंकि वो मिट्टी तो रेगुलर ऊपर आती जानी चाहिए ना जब जब क्रॉप्स उगाएंगे तब तक उन तब तक उन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी और क्रॉप्स तो हर साल उगाते हैं तो इसलिए ये प्रॉब्लम जो थी उनको मिट्टी की उपजाऊ ऊपर नहीं आएगी अच्छी उपजाऊ मिट्टी तो क्रॉप्स भी अच्छी नहीं उगेंगी ज्यादा नहीं उगेंगी हेल्दी नहीं होंगी वे भी और दूसरा एक जो क्रॉप रोटेशन मैथड था इनका जो वो वो पुराना था गलत था गलत एक तरीके से तो जमीन को दो हिस्सों में बांट देते थे एक हिस्से को यूज करते हैं और उसके बाद एक हिस्से को खाली छोड़ देते हैं। मतलब जितनी उनके पास जमीन है आधी जमीन को ही वो यूज कर पाते थे पहले एक तो वैसे ही जमीन कम थी उसमें से आधी यूज हो रही है और आधी को छोड़े जा रहे हैं और उसमें से एक ही सीजन में एक ही वो क्रॉप उगा पाते थे मतलब क्योंकि विंटर भी थी उस समय पर तो जो विंटर पीठ है वो ऑटम में उगाया जाता था और दूसरी जो लैंड थी वो खाली छोड़ दी जाती थी और फिर रई थी वो अगले साल उगाई जाती थी मतलब एक ही क्रॉप उगा सकते हैं एक तो एक ही साल में और वो भी आधी जमीन पर तो इसीलिए भी उनको अनाज की और, और भी ज़्यादा शॉर्टेज होती थी जिसकी वजह से और इस क्रॉप रोटेशन जो मेथड था वो फर्टिलिटी सॉइल की जो फर्टिलिटी थी उसको भी डिस्ट्रॉय करता था तो इन सभी रीजन से फैमिंग्स या अकाल वगैरह पड़ते ही रहते थे बहुत ज़्यादा जिससे इन पीजेंस की कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो जाती थी क्रॉनिक मल हो जाता मतलब पूरा अगर न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलेगा तो वैसे ही वो लोग पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था बिल बीमार ज्यादा पड़ते थे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट उनकी सिचुएशन थी लॉर्ड लेकिन फिर भी उनको सब कुछ चाहिए था कि पीजेंस चाहे कुछ भी करे कैसे भी करे लेकिन हमको जो किंग को दे तुम लोगों को देना और हमको भी तो देना है वो ज्यादा होना चाहिए तो पीजेंस को फोर्स करते थे कि जो तुम्हारा लीगल टाइम है उससे ज्यादा तुम हमारे खेतों पर भी काम करो ताकि हमें ज्यादा फायदा हो सके तो इसलिए जो पीजेंस थे नाराज थे कि एक तो वैसे उनकी कंडीशन वैसे ऊपर से ये जो लॉर्ड है वो ऐसे ही उस पर दबाव डाल रहे हैं तो वो खुद तो कर सकते नहीं थे क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ था ही नहीं खुद की ज़मीन नहीं है कुछ भी नहीं है तो कमा के खाएंगे कहाँ से ज़रूरत तो उनको लॉर्ड्स की है ही एक तरीके से लेकिन गुस्सा भी है तो पैसिव रेजिस्टेंस कैसे करते थे अपने कल अपने फील्ड को कल्टीवेट करने में ज़्यादा टाइम लगाते थे और ज्यादा से ज़्यादा जो लेबर का प्रोडक्ट है उसको अपने पास ज़्यादा रख लेते थे और लॉर्ड तक कम पहुंचाते थे और दूसरा जो अनपेड सर्विसेज उनको देनी पड़ती थी वो ऐसा नाका उसी में करते रहते थे अवॉइड करते थे उन चीजों को करने से और दूसरा जो पेशो लैंड है फॉरेस्ट लैंड है उस एस्टेट के अंदर उसको भी वो करने से ये कहते रहते थे कि ये जो लैंड है ये पूरी की पूरी कम्युनिटी का बराबर का हिस्सा है तो इसको हम भी यूज करेंगे जैसे ये सिर्फ आपके लिए अकेले के लिए नहीं है तो लैंड यूज में एक तो एनवायरमेंट में चेंज आया दूसरा एग्रीकल्चर में क्या चेंज आया जो पहले लैंड यूज होती थी और बाद में जो चेंज आया एग्रीकल्चर में और लैंड यूज के तरीके में उसने क्या क्या चेंज किए मेडिवल यूरोप में इलेवेंथ सेंचुरी में एन्वायरमेंट uh, चेंज होने के साथ साथ ही एग्रीकल्चर के जो उनके तरीके थे जो टेक्नोलॉजीज थी वो भी चेंज हो गई वो कैसे चेंज हुई देखो उनके पास समय ज्यादा है उनके पास लैंड भी ज़्यादा है उनको थोड़ा सा समय मिलता है तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने सोचा क्या सोचा जो आयरन वुड के जो थे प्लफ के हल थे वो जमीन को खोद नहीं पाते थे इन लोगों ने आयरन के यूज करने शुरू किए जो अंदर तक जमीन को खोद सकते थे और उनको अब हाथ से खोदने की जमीन नहीं जरूरत नहीं थी तो क्या होता अच्छे से डीप तक भी वो सॉइल को अगर खोद रहा है जो आयरन का प्लफ है तो न्यूट्रिय सॉइल के बाहर आएंगे अब उनको बाहर आएंगे क्रॉप्स के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो क्रॉप्स भी ज्यादा उगेंगे उस समय पे है ना तो और दूसरा एक था कि उन्होंने वो पहले गर्दन पर जो भी वो ऑक्स या फिर हॉर्स यूज करते थे उनकी गर्दन पर इस हल को बांधते थे और बाद में वो शोल्डर पे बांधने लग गए तो ये भी एक चेंज आया कि शोल्डर पर बांधने से एनिमल जो था जो भी वो यूज करते थे वो ज्यादा समय तक काम कर सकता है उसकी स्ट्रेंथ भी जैसे हम कंधों पर बोझ ज्यादा ले सकते हैं है ना तो वो भी अच्छे लंबे समय तक काम कर सकते थे और उनकी स्ट्रेंथ भी उनसे ज्यादा होती थी यूज ऑफ आयरन हॉर्स शूज जो हॉर्स को यूज करते थे अपने खेती बाड़ी या किसी काम के लिए तो उन्होंने इस तरीके से हॉर्स शूज यूज करने शुरू कर दिए थे आयरन के जिससे उनके पैर जो थे हॉर्स के वो डिके नहीं होते थे फूट उनके और वो लंबे समय तक हॉर्स भी काम कर सकते थे और एक चेंज क्या किया उन लोगों ने वाइंड एंड वाटर एनर्जी एग्रीकल्चर के लिए यूज किया देखो होस के लिए ये बनाए एनिमल्स के लिए बैक uh, पे कंधे पे लगाना शुरू कर दिया आयरन का ये किया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये सारी चीजें बढ़ी उनके पास अब वो कम समय लगता था ये सारे काम करने के लिए तो समय बचता था इस समय बचने के कारण ही इंसान इन लोगों ने सोचना शुरू किया कि और भी ज्यादा इनोवेशन हम क्या कर सकते हैं और तो उसका नतीजा क्या निकला वाइंड और वाटर एनर्जी यूज किया अब ये वाइंड की और वाटर की एनर्जी इन्होंने किस लिए यूज की ग्रेंडिंग कॉर्न एंड प्रेसिंग uh, ग्रिप्स ये सब जो उनको हाथ से करना पड़ता था जिसमें समय लगता था ये अब हवा और पानी का जो बल है वो इनको करके देखता था जैसे यहाँ से पानी निकल रहा है यहाँ से बाहर आ रहा है इस सॉरी इस जो ये चक्कर पर इस गोल चक्कर पर पड़ता है फोर्स से तो ये घूमता है ये ऊपर घूमता है तो इसको ये चीज हाथ से करने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर कॉर्न अप, अपना आटा पीसो या ग्रेप्स पीसो जो भी उनको काम करना होता था वैसे सेम ही यहाँ पर वाइंड एनर्जी इससे ये घूमेगा तो अंदर जो भी काम कर सकते हैं ये सारे काम उनको हाथ से नहीं करने पड़ेंगे तो इसमें समय भी कम लगेगा और उनको एक्स्ट्रा और भी ज्यादा नए इनोवेशंस करने के लिए काम मिलेगा इंसान को दूसरा एक इन्होंने जो लैंड का जो रोटेशन क्रॉप रोटेशन सिस्टम था जो वो टू से थ्री रोटेशन पे कर दिया थ्री फील्ड सिस्टम फॉर लैंड यूज अब ये जो थ्री फील्ड सिस्टम था इससे क्या था कि पहले तो 50 परसेंट लैंड ही यूज कर पा रहे हैं अब ये लगभग 70 परसेंट यूज कर सकते हैं लैंड मतलब उनकी जो जमीन थी उसको तीन हिस्सों में बांट दिया उसमें से दो हिस्से ये एक साल यूज करते थे और फिर एक को खाली छोड़ देते दे थे और फिर सेम एक हिस्सा छोड़ के खाली अगले साल बाकी के दो हिस्से यूज करते थे और एक ही खेत पर अब एक ही साल में वो दो क्रॉप्स भी उगा सकते हैं या फिर दो की जगह चार क्रॉप्स भी उगा सकते हैं एक ही साल में और लैंड भी ज्यादा यूज कर सकते हैं फिफ्टी की बजाय सेवेंटी परसेंट वो यूज कर सकते थे और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से खोद के निकाल सकते थे बार तो क्रॉप्स भी अच्छी होती थी फुल सब कुछ अच्छे से मिलता था है ना तो वीट और रई ऑटम में एक ऑटम में करते थे आ, पीज और बीन्स, स्प्रिंग में कर लेते थे ऑर्ड्स एंड बाले फॉर हॉर्सो तो ये सारी की सारी चीजें ये सिर्फ दो खेतों पर एक एक ही साल में अलग अलग सीजन अल 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 में एक ही साल के वो उगा सकते थे है ना तो थर्ड जो थर्ड फील्ड बस लेफ्ट फेलो जो तीसरा जो ये फील्ड था इसको खाली छोड़ देते थे और अगले साल फिर उसको यूज करते थे और इनमें से एक खाली छोड़ के बाकी दो यूज करते थे इस तरीके से रोटेशन चलता चला जाता था विद द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देर वॉज इंस्टेंट एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोड्यूस फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ लैंड अब क्या था एक तो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो अच्छी उपज हो रही है ज्यादा हो रही है और लैंड भी बढ़ गई है उनके पास फॉरेस्ट भी काट लिए हैं लैंड भी बढ़ गई है फिफ्टी की बजाय सिक्स सेवेंटी परसेंट लगभग लैंड यूज कर सकते हैं ज्यादा एक ही साल में ज्यादा फसल उगा सकते हैं सब कुछ अब ये जो उनका प्रोडक्शन था वो ज्यादा हो रहा था है ना तो ग्रेटर यूज ऑफ प्लांट्स लाइक पीस बीन्स मीन इंक्रीज इन प्रोटीन डाइट उनकी डाइट भी अच्छी हो रही थी एक ही साल में सिर्फ वीट ही खा पाते थे वो अच्छे से बस अब उनको सारी की सारी फील्ड एक ही साल में सारे न्यूट्रिय प्रोटीन्स और ये सब अच्छे से मिल रहे हैं नाउ कल्टीवेटर कुड प्रोड्यूस मोर फूड फ्रॉम स्मॉल लैंड एक छोटी सी लैंड से भी वो ज्यादा फूड प्रोड्यूस कर सकता था और ये इन लोगों ने फिर थोड़ी भी कर दी थी एवरेज होल्डिंग ऑफ पीजन फॉर्म स्ट्रेंग हंड्रेड एकड़ से बीस से तीस एकड़ अब जितना उसके पास समय है उस हिसाब से से उसने जमीन भी छोटी की और उस पर उपज भी ज्यादा कर ली तो स्मॉल होल्डिंग्स हैं वो रिक्वायर एक तो लेबर का रिक्वायरमेंट भी कम हो गया था उनपे और अच्छे से कल्टिवेट कर सकते थे तो पीजेंस अपना समय बचाकर इसमें से फिर बाकी क्रिएटिव एक्टिविटीज में लगा सकते थे अब वो एक्टिविटीज भी बाकी जैसे 11th सेंचुरी के बाद से आ, इनको अच्छे से समय मिला ट्रेड सबसे पहले तो ट्रेडिंग वगैरह में किया जो उनको प्रोड्यूस हो रहा है वो ट्रेड में भेजना शुरू किया ट्रेड में कैसे भेजना शुरू किया कि एलेवेंथ सेंचुरी से एक और चेंज जो फ्यूडलिज्म में आया कि पहले लैंड के बदले सर्विसेज होती थी फ्यूडलिज्म लैंड ही उसका बेस था वही चेंज हो गया तो फ्यूडलिज्म का बेस भी क्यों? कमजोर पड़ गए क्या हुआ लैंड के बदले अब मनी से ट्रांजैक्शन होने लगे मतलब जो पीजन है अनफ्री है ये सब है वो क्या करेंगे उनको जमीन तो अपनी ही है ही वो जमीन पर काम करने के बदले उनको अपनी जमीन का प्रोडक्शन भी देना पड़ता था जो कम होता था अब वो क्या कर सकते थे उसके बदले पैसा दे सकते थे और उनकी जो आ, लेबर रेंट भी उनको नहीं करना पड़ता था देना पड़ता था अब अलग से तो मनी उनको दे दिया तो क्या हुआ अब उनके पास जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस जो अब वो ज्यादा प्रोड्यूस करते थे उसको कहाँ करना शुरू कर दिया उन्होंने उसका यूज उसको बेचना शुरू कर दिया उससे पैसे कमाए उस पैसे में से कुछ उन्होंने किसको दे दिए लॉर्ड को दे दिया कुछ अपने लिए इन्वेस्टमेंट नई इन्वेस्टमेंट नई क्रिएटिव चीजें करने के लिए निकाल लिया तो और वैसे भी उस वक्त पे उन लोगों को अपना खुद का एक मनी उनके हाथ में होने लग गया था मतलब पहले उनका अपने पास कुछ नहीं था जमीन थी वो भी रेंट पे थी अब उनके हाथ में खुद का मनी उनके हाथ में आने लग गया था मतलब जिसको वो अपना कह सकते हैं कुछ उनके पास ऐसा था अब द लॉर्ड आक्स फॉर रेंट इन कैश इंस्टेड ऑफ काइंड ऑल्सो पीजें फाउंड टू सेल इजी टू सेल देर क्रॉप टू ट्रेडर्स लॉर्ड्स भी कैश में लेने लग गए थे उनका जो रेंट था तो पीजेंस को भी ये चीज अच्छी लगी थी वो अपनी वो क्रॉप्स को सेल कर सकते थे ठीक है इंक्रीज ऑफ मनी बिगेन टू इन्फ्लुस प्राइजेस अब जो चीज मनी में बिक रही है तो पुअर हार्वेस्ट के टाइम पे उसकी कीमत बढ़ेगी जैसे कि एग्रीकल्चरल प्राइजेस डबल हो गए थे बारह सो सत्तर से तेरह सो बीस में इंग्लैंड में तो अब पीजेंस के पास पैसा भी ज्यादा आना शुरू हो गया था तो पीजेंस की कंडीशन अच्छी हुई और धीरे धीरे वो अमीर होने शुरू हो गए थे और एक जो इनकी मिडिल क्लास थी उनके पास पैसा आना शुरू हो गया था अब पैसा आता है तो जो लोग अमीर होते हैं पैसा आता है तो उनके पास पॉलिटिकल पावर्स भी आ जाती है है ना तो और कैसे कंडीशंस धीरे धीरे फ्रांस में चेंज होकर फ्रांस की क्रांति तक पहुंच गए और ये फ्यूडलिज्म पूरी तरह से खत्म हो गया ये हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे ठीक है नेक्स्ट पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा फिफ्थ पार्ट उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिफ्थ पार्ट में मैं आपको पीडीएफ नोट्स जिनको चाहिए उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो मैं आप लोगों के लिए इतना कर रही हूँ आप लोग मेरे लिए एक काम कर सकते हैं जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को ये सब्सक्राइब का बटन है ना इधर नीचे वो जरूर दबाइए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी आपको बेल के थ्रू नोटिफिकेशन से मिलती रहे ठीक है नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं तो फिफ्थ पार्ट में आज के लिए इतना ही टाटा बाय बाय